हरियाणा के अंबाला जिले में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से 50 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। आरोपी सागर उर्फ सौदागर अंबाला की डेहा कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गुप्त सूचना के आधार पर काकला चौक अंबाला सिटी से काबू किया। आरोपी के खिलाफ अंबाला सिटी पुलिस थाने में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक एंटी नारकोटिक सेल की टीम काकला चौक अंबाला सिटी के नज़दीक गश्त पर तैनात थी। इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि डेहा कॉलोनी निवासी सागर उर्फ सौदागर हीरोइन बेचने का धंधा करता है। टीम ने तुरंत पालिका विहार रामनगर मोड़ पर नाकाबंदी करते हुए मुखबिर के इशारे पर आरोपी सागर उर्फ सौदागर को काबू कर लिया। तलाशी लेने पर जेब से 50 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। वहीं पुलिस ने आरोपी सागर उर्फ सौदागर को आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी। आपको बता दें कि आरोपी पिछले लंबे समय से नशे के धंधे में शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।